दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। नगर में साफ सफाई की शिकायत करने के बाद भी पड़ोस में शादी समारोह के लिए चूना गिरवाने के लिए वार्ड नंबर 12 सभासद बिंदु त्यागी ने लिखित में शिकायत करने के बाद भी जब कोई कर्मचारी सफाई के लिए और चूना गिरने के लिए नहीं आया तो सभासद पति को खुद ही लगना पड़ा चूना डालने के लिए और झाड़ू लेकर सफाई करने के लिए। ये नगर पालिका की लापरवाही का सबसे बड़ा काम है। आइए बात करते हैं सभासद उपेंद्र त्यागी से। जी सर, क्या बात हो गई थी, कैसे आपको चूना डालना पड़ा? भैया, हमारे वार्ड में एक पड़ोस में गली में शादी है आज, और नगर पालिका के कर्मचारियों से भी जमादार से भी कह दिया है कि भाई कल शादी है, उनके यहाँ कली लगनी है और सफाई होनी है। उसके बावजूद भी ना तो किसी ने कोई सुनवाई हो रही है, और दो दिन पहले राजकुमार को भी कहा था कि भाई ट्रैक्टर नहीं आ रहा, ना तो कूड़ा उठ रहा है, और ये कभी कर्मचारियों को नहर पे ले आया जाता, कभी गौशाला के नाम पे, कभी कहीं कर्मचारियों को ना आने का समय है ना जाने का समय है। और वार्ड की व्यवस्था, अब जिनके यहाँ शादी है उनका बार बार फोन आ रहा है, उनके कहने के पश्चात भी कोई कर्मचारी या कोई स्वीपर या क्या नाम है जमादार कोई नहीं आ रहा, आखिर में वो बार बार फोन कर रहे हैं। तो हमने खुद लेके हम सफाई अभियान में वो ठीक है, हमारे वार्ड की है, हम यहाँ के सभासद हैं, तो हमारा दायित्व बनता ये नहीं सुनेंगे, तो हम सफाई अभियान में हम लगेंगे और हम सफाई हम कराएंगे। अब देखिए, शिकायत करने के बाद भी जब कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा तो सभासद और सभासद पति खुद ही कली और झाड़ू लेकर लग गए हैं। पड़ोस में शादी की होने की वजह से काफ़ी शिकायत भी की इन्होंने, लेकिन तब भी कोई नहीं आया। ये नगर पालिका का कितना आप देख रहे हैं, जब वो सभासद की नहीं सुन रहे तो आम आदमी की क्या सुनेंगे।